I want to read one passage and get into our subject, what I want to conclude chapter 26. The passage I want to read is 1 Corinthians chapter 1 verse 18. एक विभाग में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वो पढ़ते पढ़ते फिर हमारे जो संदेश का जो संदर्भ चल रहा है उसकी ओर मैं जाना चाहूंगा कि पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 18वीं आयत में हम जाएंगे। For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल को प्रेरितों के काम 26वें अध्याय की ओर मोड़िए। हम 23वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead and should show light unto the people and to the Gentiles. अभी मैं पढ़ता हूँ। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने मुझे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छुपी भी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही सही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़े मेरे समान हो जाए। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दवाई न देता तो छूट सकता था। Father, we thank you for this day. Thank you for your word. And as we meditate upon your word, O Spirit of God, teach us the lessons what we need to learn today. Let every word may go forth as thus saith the Lord, and further glory of God for the conviction of our souls and edification of our souls. Bless thy servant, Lord, and anoint him in a special manner, and that the word may be proclaimed with a fear of favor in Jesus' precious name, yes. Amen. Clement of Alexandria said these words. Alexandria ke jo Clement the, unhone ye kaha. He, that is Jesus, changed sunset into sunrise. Usne kaha ki Yeshu ne jo suryast ko suryodaya mein badal diya. In Scotland, there are many castles out there. अगर स्कॉटलैंड इस देश में जाए तो वहां पर हम बड़े बड़े जो कैसल देखते हैं। And one of the castles, और एक कैसल में there's an inscription, ऐसा कुछ लिखा है, When Jesus comes, जब यीशु आएंगे the shadows depart, तब जो छाया होती है वो चली जाती है। When Jesus comes, the shadows depart. जब यीशु आते हैं तो आपका जो छाया होती है वो चली जाती है। Now we are in almost at the end of this courtroom scene in Caesarea in the palace of Herod. हेरोद के राजमहल में कैसेरिया प्रांत में ये जो न्यायालय का बात चल रहा है उसके हम अंत में आए हैं। Paul made his final defense. और पौलुस ने अपनी आखिरी बात प्रस्तुत की है। And the request of Agrippa. और अग्रिप्पा ने उसे निवेदन किया था। He made very clear in the last Sunday that he proclaimed the gospel, crystal clear gospel. हम पिछले सप्ताह देखा है कि पौलुस ने पूरी सफाई से सुसमाचार प्रचार किया। Nothing added to the word of God. कुछ भी उसने परमेश्वर के वचन में और बढ़ा चढ़ा कर दिया। Jesus the crucified. उसने यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाए गए थे उनके बारे में प्रचार किया। Today I want to present to you our few reactions to the gospel. तो आज मैं किस प्रकार से सुसमाचार सुनने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया हुई थी
ये बताऊंगा. So Paul is remembering maybe all these things in his life. He said the preaching of the cross is to them the cash and foolishness. और इसीलिए शायद पौलुस ने आगे ये बातें याद कर कर कहा कि क्रूस की कला नाश होने वालों के निकट मूर्खता है. But परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है. It is the foolishness and the power of God. ये फिर मूर्खता परमेश्वर की सामर्थ्य के बीच की बात है. Now we see for Jews here. हम यहाँ पर यहूदी लोगों को देखते हैं. In all the situation, Jews were the people who were very much upset with Apostle Paul because he preached the gospel. ये सभी बातें जब चल रही थी इनके दरमियान यहूदी लोग जब पौलुस सुसमाचार का प्रचार करता था तो बहुत गुस्सा हुए थे. If you can recall the order, sermons are there, sermons chapter 24 to 25. We see there are three main accusations against Paul. और अगर आप याद करें 24 और 25वें अध्याय में तो तीन बड़े दोष आरोप पौलुस पर लगाए गए थे. The accusation of sedition. इसका अर्थ है कि रोमी जो कानून व्यवस्था है उसका उल्लंघन किया. The second accusation was secularism, violation of Jewish law. इसका अर्थ है कि यहूदी कानून व्यवस्था का उल्लंघन. The third accusation was sacrilege. और फिर तीसरा था sacrilege. That was the violation of God's law. इसका अर्थ है कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन. To say that he has violated this thing, that's why he need to put to death. यहूदियों का ये मानना था कि पौलुस ने इन सभी चीजों को उनका उल्लंघन किया है इसीलिए उसे मृत्यु दंड देना चाहिए. Jews want Paul to be killed. यहूदी लोगों को चाहिए कि पौलुस को मार दिया जाए. And they tried to plot to kill him. और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र भी रचा कि उसे मार दिया जाए. Chapter 25 and 24 tells us. और यही बात हमें 25वें अध्याय 24वें अध्याय में पता चलता है. Festus said, King Agrippa, all men which are here present, you see this man about whom all the multitude of Jews have dealt with me, both at Jerusalem and also here, crying that he ought not to live any longer. और इसीलिए 24वें अध्याय में लिखा है उसके आखिरी विभाग में यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं. In chapter 25 verse 7. और 25वें अध्याय 7वीं आयत. When he had come, the Jews which came out from Jerusalem stood round about and made many and grievous complaints against Paul, which they could not prove. और फिर जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे. Because the Jews made some charges. वो अब यहूदी लोगों ने कुछ दोष लगाए हैं. They could not prove those charges. और उन दोष को वो उनका परिणाम नहीं दे सकते. They are not following their Old Testament. वे अपने ही पुराने नियम की व्यवस्था को उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं. बिना किसी गवाह होने के बजाय वो किसी पर दोष नहीं लगा सकते. आप गलत दोष नहीं लगा सकते. आप किसी को मार नहीं सकते. परंतु यही लोग एक के बाद एक परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं. You know why? It's not a new thing for them. ये इसलिए क्योंकि ये इनके लिए नई बात नहीं है. Because they killed Jesus, the Savior of the world. और उन्होंने यीशु मसीह को भी मार दिया. वो यीशु मसीह जो इस संसार के उद्धार करता है. Most unlawful, unreasonable act which was committed by Jews was putting Jesus on the cross. यहूदी लोगों द्वारा किया गया सबसे घिनौना सबसे बदला काम यही था कि उन्होंने यीशु मसीह को मार दिया. उन्होंने अपने ही मसीहा को नजरअंदाज किया. इस संसार के उद्धारकर्ता को उन्होंने नकारा. और वो व्यक्ति जिनके बारे में उनके ही भविष्य वक्ताओं ने प्रचार किया था उन्हें भी नकार दिया. और वो उद्धारकर्ता जो जिसकी आराधना उनके ही पूर्वज या उनके ही बाप दादा अब्राहम करता था उन्हें नकार दिया. और उस यीशु को उन्होंने मार दिया क्रूस पर चढ़ा दिया. और वे इतने उससे भड़के हुए थे. और फिर उसके बाद इतने डर गए थे कि उसके मृत्यु के बाद भी वो डरे हुए थे. Not allowed to come out of the grave.
प्रभु को नहीं पकड़ गए और वो कब्र में से जी उठा और वो पुनरुत्थित जो यीशु है उसने पौलुस को बुलाया और ये पौलुस परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार करता है और यही बात पौलुस 23वीं आयत में कहता है कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबके सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा इसका अर्थ है मृत्यु जो चिन्ह है वो अंधकार होता है परंतु यीशु मसीह ने जहां पर भी अंधकार है वहां पर ज्योति लाई है और इसका अर्थ ये है जो लोग अंधकार में जी रहे हैं उनको वो ज्योति दे रहा है और ये यहूदी लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते थे उसे अपनाना ही नहीं चाहते थे इसीलिए क्रूस की कथा ऐसे लोगों के लिए मूर्खता का विषय बन गया क्योंकि वे चाहते थे कि उनके मन मर्जी के वो सोचते थे कि वे बहुत धर्मी है सोचते थे कि यही व्यवस्था को ठीक तरह से पालते हैं अपने ही समझ के मुताबिक अपने ही जाति धर्मों के लोगों के बीच रहकर वे सोचते थे कि वो सब जानते हैं They never looked to Jesus Christ. परंतु उन्होंने यीशु मसीह की ओर नहीं देखा. They looked bad for the law, or very, very zealous to keep the law, but they never looked forward to Messiah. वे अपने पीछे जो उनके जो कानून व्यवस्था नियम है उन्हें ज्यादा ध्यान देते रहे परंतु उनके आगे जो मसीह था उसके ओर ध्यान नहीं दिया Let's go speak the second reaction. और फिर दूसरी प्रतिक्रिया वो पहला कौन सा हाकिम था जिनके सामने पौलुस ने अपनी गवाही पेश की थी सन्डे स्कूल के बच्चों ने कहा फिलिक्स और ये सही जवाब है उन दिनों में पहला जो हाकिम था वो फिलिक्स था पौलुस फिलिक्स के सामने पहले खड़ा हुआ फिलिक्स वाज प्रोक्रास्टिनेटर तो फिलिक्स था वो बातों को आगे धकेलने वाला था ही हर्ड अपोस्टल पॉल और उसने पौलुस प्रेरित को सुना एंड मेनी टाइम्स और बहुत बार सुना वर्स 24 चैप्टर 24 24वें अध्याय की ओर आएंगे पॉल इज गिविंग डिफेंस टू फिलिक्स और पौलुस फिलिक्स के सामने अपनी बात पेश कर रहा है अल्लाह रीड फ्रॉम वर्स 22 जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लुसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा कितने दिनों के बाद फिलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को जो यहूदिनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर था उससे सुना What did Paul preach? पौलुस ने क्या प्रचार About righteousness. उसने धर्म के बारे में सेल्फ कंट्रोल और संयम के बारे में जजमेंट और न्याय के विषय में उसने परमेश्वर की नीति मर्यादा के बारे में और फिर मनुष्य के अधर्म के बारे में और परमेश्वर की जो धार्मिकता है अधर्म में जी रहे मनुष्य के लिए वो केवल यीशु मसीह द्वारा ही पूर्ण करते और वो ही अकेला ऐसा है जो हम सबों को नीतिमत्ता या धर्म से भर सकता है फिलिक्स जानता था कि वो एक अधर्मी व्यक्ति है और फिर
विषय में प्रचार किया and simply let loose, it did not have you control yourself. जो पाप होता है वो अपने आप को काबू में नहीं रख सकता Felix was living an ultrasound. और जो फिलिक्स है वो एक व्यभिचारी जीवन जी रहा था Now, judgment. अब न्याय के बारे में प्रचार किया the judgment of God. और परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार किया He heard, आप सोचे रहेंगे कि ये ही बातें क्यों प्रचार की अगर आप पूरा अध्याय पढ़े तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके बारे में प्रचार फिलिक्स से किया इज द सेकंड सर्मन फॉर फिलिक्स फिलिक्स के लिए ये तो दूसरा सर्मन हुआ व्हेन द मोमेंट ही हर्ड द जजमेंट ऑफ गॉड और जैसे ही फिलिक्स ने परमेश्वर के न्याय के बारे में सुना ही सेड फिलिक्स ट्रेम्बल्ड ही वाज अफ्रेड फॉर द बाइबल तो बाइबल ये बताता है फिलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि तू अभी तू जा और अगर अवसर मिला तो मैं आपके बाद में बुलाऊंगा समझता हो कि वो अपने ही जीवन के बारे में सोचकर चिंतित हो गया होगा अगर सही तौर पर देखा जाए आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जी रहे हैं पाप में जी रहे हैं और परमेश्वर के वचन का सच्चे वचन का प्रचार आप सुनते हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं आप पहले तो वहां से निकल भागना चाहते हैं Hear some messages. जब आप कोई संदेश सुनते हैं आप पास्टर पे क्रोधित होते हैं You don't want to come to church. आप कलीसिया नहीं आना चाहते You want to escape at least for a few weeks from the church. कुछ हफ्तों के लिए आप आए बनना चाहते हैं Or you will say, Thank you, Lord, for speaking. क्या फिर आप दूसरी छोर पर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद हो कि आपने मेरे हृदय से बात Felix was afraid of his own life. Felix अपने ही जीवन के बारे में सोचकर डर गए और फिर वो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित He cannot say, Oh, I accept Jesus. Oh, thank you, for sharing me the gospel. वो ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं अब यीशु को मानता हूँ स्वीकारता हूँ और उसके प्रचार करने के लिए धन्यवाद ऐसा तो उसने नहीं कहा He was afraid of his fame, of his position. वो अपने ही प्रतिष्ठा अपनी जो ओहदा वो संभाल रहा था उसको लेकर चिंतित था इस व्यक्ति में और एक बात हम देखते हैं And verse 26, he hoped also that money should have been given to him of Paul. उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी. And he said that he might lose it. ताकि फिर उसे वो छोड़ सके. He will be expecting some money. तो उससे वो कुछ रुपयों की उम्मीद कर रहा. Finance is another thing which keeps it away. और धन दौलत या पैसा रुपया पैसा है वो भी एक बात है जो परमेश्वर से उसे दूर रख रहा है तीसरी बात सत्ताईसवीं परंतु जब दो वर्ष बीत गए तो परिगुस फिस्तुस फिलिक्स की जगह पर आया और फिलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया फेवर ये है दूसरों की नजर में अच्छा दिखना What are the four things which kept him away? चार वो कौन सी बातें थी जो परमेश्वर से उसे दूर रखे हैं? Fear of his own sin. अपने ही खुद के पापों का डर. Fear of his fame, his position. अपनी प्रतिष्ठा और अपना वधा. Finances, money, money, money. उसका धन दौलत रुपया पैसा. And favor of people. और लोगों के नजर में अच्छा रहना. He left Paul and Paul. He did not do justice for that. उसने पौलुस को बंधुआ ही छोड़ दिया उसने वहां पर न्याय उसे वही बांध उसने सुसमाचार सुना He reacted by putting the man of God in the same chain and walked away from that. और उसने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई कि जिस व्यक्ति ने उसे प्रचार किया था परमेश्वर के व्यक्ति को उसने उसी बंधन में बंधा हुआ छोड़ दिया gospel became foolishness unto him. और यही सुसमाचार उसके लिए भी मूर्खता का विषय बना Third group of your short. आज हम तीसरा गुट देखते हैं Festus. Festus. Who is Festus? Festus कौन है? The current governor. वो अभी का आपके he look at the character of Festus. Festus का हम चरित्र देखते हैं. A young man. वो एक नौजवान व्यक्ति vibrant और बहुत कार्यरत है. He want
to set the things right. और वो चाहता है कि सभी बातें सही हो जाए. If the new boss और वो नया boss है. He want to attend the problems immediately, solve those things. जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत हल हो जाए, उनका निवारण हो जाए, वो करना चाहता है. He want to get the favor of the Roman emperor. और फिर जो अपना रोमी अधिकारी है उनके नजर में वो अच्छा बनना चाहता है. That's why he came on the hot state for a couple of days. He ran to Jerusalem to solve the problem. और इसीलिए जैसे ही वो नियुक्त किया गया है कुछ ही दिन वहां पर रुककर यरूशलेम भाग गया ताकि समस्या जो वहां पर उत्पन्न हुई थी उसका निवारण करे. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज बर्निंग इशू ऑफ अपोस्टल पॉल. और फिर दूसरी बात थी उसके कार्यकाल में कि पौलुस का मसला था उसे भी हल करना. ही वांटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. उस समस्या का भी हल निकालना चाह रहा था. ही कॉल्ड फॉर अ कोर्ट हियरिंग एंड ही हर्ड ज्यूज. और फिर उसने एक न्यायालय में सबको बुलाया और यहूदियों को बुलाया और सुना. एंड ही कॉल्ड पॉल. और उसने पौलुस को बुलाया. ही हर्ड पॉल. पौलुस को सुना. ही वांटेड टू समथिंग. और वो कुछ करना चाहता था. यस फेस्टस. और ये फेस्टस है. फेस्टस वाज इंटरेस्टेड इन कीपिंग हिज पोजीशन. फेस्टस भी यही मानता रखता था कि वो अपना ओहदा बरकरार रखे. ही वाज इंटरेस्टेड इन हिज करियर मोर देन द ग्रुप. या अपना जो करियर होता है वो बनाने की फिराक में लगा हुआ था. ही वाज इंटरेस्टेड इन योर जॉब मोर देन द थिंग्स ऑफ गॉड. कितनी बार हम अपने ही कामकाज, अपने जो दफ्तरों की कामकाज होते हैं उसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं. थियोलॉजी ऑफ फेस्टस. कितनी बार फेस्टस जिस नजरिए से चल रहा था या स्वभाव से चल रहा था उसका स्वभाव हमारे पास मिलता है. इंटरेस्टेड इन कीपिंग हिज जॉब. वो ये रुचि रख रहा है कि वो अपना काम कैसे बचा के रखे. Festus राजा अग्रिप्पा से बात कर रहा है. And he said, but when I found that he had committed nothing worthy of death. परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मार डाला जाए. He knew he has not committed anything worthy of death. अब वो जानता है या जान गया है कि पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो मार दिया जाए. ये जानने के बाद तो उसे सही कार्य करना चाहिए. वो ऐसे ओहदे पर है जहां पर वो न्याय कर सकता. परंतु फिर भी वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहा. He heard the gospel of Jesus Christ very clear. उसने बड़े ही सफाई से परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुना है. Festus is a Roman man. और ये फेस्टस एक रोमी व्यक्ति है. The Gentile. वो अन्य जाति का व्यक्ति. Romans or intellectuals did not believe in resurrection at all. ये जो रोमी लोग हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग माने जाते हैं, उन्होंने पुनरुत्थान के विषय को बिल्कुल नहीं माना. And the Jews had that mind. People were raised from the grave. सिर्फ यहूदी लोगों में ये मंशा जरूर है. ये मानते हैं कि लोग कब्र में से जी उठ सकते. Verse 23, chapter 26, verse 23. 26वां अध्याय और 23वीं आयत. Paul said that Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead and should show light unto the people and to Gentiles. And as he thus spake for himself, ये मसीह को दुख उठाना और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था. What are the reaction of Festus? तो फेस्टस का प्रतिक्रिया क्या था? Just imagine Agrippa sitting there. आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि राजा अग्रिप्पा बैठे हुए हैं. Bernice is there. Bernice वहाँ है. And Festus is there. और फेस्टस भी है. Maybe some other dignitaries are there. और वहाँ के कुछ बड़े जाने माने लोग वहाँ पर होंगे. Festus, as soon as he heard of this message from Apostle Paul, और जैसे ही पौलुस प्रेरित के द्वारा ये संदेश फेस्टस ने सुना, how did he react? फेस्टस का क्या प्रतिक्रिया था? Festus said with a loud voice. तो फेस्टस ने ऊंचे शब्द से कहा. Now, when you are reacting to something, you tend to raise your voice. तो कोई प्रतिक्रिया हम दिखाना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं ऐसे विषय के वक्त तो हम अपने आवाज को जरूर ऊंचा उठा देते हैं. I have a loud voice. I tend to raise it to 100 decibels more than I speak. जब इनको गुस्सा आता है तो आवाज ऊंची हो जाती है. अरे पहले ही इनकी आवाज ऊंची है.
To you. मैं सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ।
Festus did not have any words. इसके बाद फेस्टस के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा. And but at the same token, in 24-25, that he committed no crime which is worthy of death. और फिर हम देखते हैं कि 24वें अध्याय में फेस्टस ने कहा था कि इस व्यक्ति में ऐसा कोई दोष नहीं देखता जिससे उसे मार डाले. And he said, in his talk with Agrippa in verse 31 of chapter 26, this man does nothing but the other death out of course. और फिर 31 हमें पता चलता है अग्रिप्पा राजा के साथ फेस्टस बोल रहा है कि यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो. हमने फेस्टस को देखा, ज्यूस हमने यहूदियों को देखा, फेलिक्स को भी देखा, फेस्टस हमने फेस्टस को देखा. तो इस क्रेजी अबाउट हिज करियर एंड हिज पोजीशन, वो केवल अपने आप करियर बना है और अपना जो वादा उसे मिला है उसे बचाने के खिलाफ में. आई वांट टू डू द जस्टिस, परंतु न्याय नहीं करना है उसे. लास्ट मैन, अब आखिरी व्यक्ति, इज अ क्यूरियस किंग. ये एक कुछ जानना है ऐसी मनसा रखने वाला राजा. ही सिटिंग देयर, वो भी वहां बैठा. इज अ किंग अग्रिप्पा, उसका नाम है अग्रिप्पा राजा. He's from Jewish background. वो भी यहूदी. अच्छा, वो भी king of the area. और उस क्षेत्र का वो राजा है. He is the one who is custodian of temple of Jerusalem. और जो यरूशलेम का मंदिर है, उसका रखवाला ये व्यक्ति है. And he is the one who appoints a high priest, who has the say in appointing high priest. और यही वो व्यक्ति है जो अगर याजक, मुख्य याजक को चुनना है तो ये कहेगा कि इस व्यक्ति को चुनो तो वो चुना जाएगा. और ये व्यक्ति को पुराना नियम का जो व्यवस्था है वो बखूबी पता था. Paul turned to him. और उसने उसकी ओर फिर करता. Verse 26. 26वीं आयत. Noble Excellency Festus. उसने कहा, I am speaking a sober truth to you. हे महाप्रतापी फेस्टस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ. Then he turned to King Agrippa. फिर उसने अग्रिप्पा राजा की ओर मुंह फेरा. King knows these things. राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है. What an intelligent man Paul here. पौलुस भी कितना बुद्धिमानी व्यक्ति. He pulled off, he came to the fray now. अब ये सब चल रहा है तो राजा को भी उसने खींच लिया. It is not like a doozy scam, you know, राजा पुलिंग चिदा और चिद्रम पुलिंग. It is not. It is a very intelligent way of talking over here. यहाँ पर हम पौलुस का बहुत ही बुद्धिमानी भरा बात देखते हैं. And he said, he knows this matter. It's not a new thing. उसने फेस्टस की फेस्टस को कहा कि राजा भी तो ये बातें जानता है. Before whom also I speak freely. और इसके सामने निडर होकर मैं बोल रहा हूँ. None of this thing was spoken hidden from him. They are not in the night, the corner, in the dark, darkness. It is publicly happened. All these things happened publicly. King knows everything. राजा ये बातें जानता है और तुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं है क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई. What a wonderful way Paul is bringing his proof. Addressing the king also. अब कितनी अद्भुतता से पौलुस की सच्चाई को राजा अग्रिप्पा के सामने भी लेके आ रहा है. He not trying to put butter over there to king. वहाँ पर राजा को वो मक्खन नहीं लगा. But he is giving the bitter truth to king. परंतु जो कड़वा सच है वो राजा को पिला रहा. Which he is sitting over there to judge. और वो इसलिए भी क्योंकि राजा भी तो उसका न्याय करने के लिए बैठा. And he said that. अगर वो हाँ बोलता है तो पौलुस जो हाँ
मोहर लग जाएगी. रिएक्शन टू गॉस्पेल इज यस और नो, दैट्स इट. अगर सुसमाचार प्रचार होता है तो उसकी और प्रतिक्रिया आपकी हाँ में हो सकती है या ना में हो सकती है. बट यू नो व्हाट पॉल सेड इमीडिएटली. परंतु पौलुस ने क्या कहा है? आई एम नॉट अ बिलीविस्ट. हाँ मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है. इज पॉल ओवरस्टेटिंग स्टेटमेंट हियर कॉन्फिडेंस. यहाँ पर क्या हम पौलुस का ओवर कॉन्फिडेंस देखते हैं? नो, बिल्कुल नहीं. He is telling what the truth is preaching. Agrippa knows that truth very well and he believes that one. तो पौलुस ये जता रहा है कि जो सच्चाई को वो प्रचार कर रहा है उस सच्चाई को अग्रिप्पा भी जानता है और इसी का प्रमाण भी दे रहा है. अग्रिप्पा क्या कहता है? तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है. दूसरे लफ्जों में कि क्या तू कितना ही बताकर मुझे मसीह बना सकता है? The word Christian only Agrippa used here. मसीह ये शब्द केवल अग्रिप्पा ने यहाँ पर इस्तेमाल किया. Other people in Antioch were called as Christians. 11:26, Acts 11:26. प्रेरितों की काम 11 बात है 26 के अंत में आती क्या के प्रांत के लोगों को मसीह कहा जाता था. Now, Agrippa knew very well, believing in Jesus Christ is becoming the follower of Christ. अग्रिप्पा बखूबी जानता था कि यीशु मसीह पर विश्वास करना इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के पीछे होने. That's a Christian, a disciple of Christ. इसका मसीह ऐसा ही होता है जो यीशु मसीह का चेला होता है. इसे अग्रिप्पा said, you want to make me a Christian so easily? अग्रिप्पा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मुझे इतने जल्दी या इतने आसानी से मसीह बना चाहता है? क्योंकि वहां पर फेस्टस है, अग्रिप्पा है, यहूदी लोग है, वो तुरंत न्याय घोषित करते, उसे मार भी देता है. But he said, Paul said, I would to God that not only thou, but all the hearing in this day, but both almost not here such as I am, except these bonds. 29वें आयत में पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए. फिर थोड़ी में हो या ज्यादा में, not only you, ना सिर्फ तू, but also who hear me this day. परंतु आज के दिन में जो भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, become such as I am. हूँ जैसा मैं हूँ वैसा वे भी बने. Except these chains, bonds. परंतु सिर्फ वे बंधनों में ना रहे. वचन बताता है कि राजा अपने आसन से उठा. किंग बर्निस इज बाय क्वीन लॉर्ड ऑफ कॉमर्स. फिर हम देखते हैं फेस्टस राजा और बली के उसकी पत्नी सब अपनी कुर्सी से उठे. And all the people declared this word. और जो बड़े जाने माने लोग वहां पर प्रार्थना थे वो सभी. There's a confidential room and in the conference room. और एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर अकेले में वे जाकर बात करते हैं. You know, so there's a judge court, judge is the supreme court, there is a high court, there's a judge chamber is there, small. और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर हाई कोर्ट में जाए तो एक छोटा कोने में कमरा रहता है न्यायाधीश के. हो सकता है वे अकेले में एक जगह पर गए. और हो सकता है वहां पर खड़े रह रहकर पुणे में अग्रिप्पा राजा और आपस में उन्होंने बात की होगी कि यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो. This man might have been sent at liberty, he said.
ये यहाँ तक कहा गया है यदि यह मनुष्य कैंसर की दवाई देता तो छूट सकता था या फिर उसने परंतु इसने कैंसर की दोहाई दी है फिर भी रोमी जो कानून है ये बताता है कि पौलुस को उसी वक्त माफ कर दिया छोड़ दिया जाता God's sovereignty again reflects over here. God wanted Paul not to be released but go back into danger. God wanted him to go on preaching to Rome because he promised him to do that. परंतु वो परमेश्वर की सार्वभौमिकता हम यहाँ देखते हैं वो परमेश्वर नहीं चाहता कि पौलुस फिर वहां से निकलकर किसी और खतरे में पड़ जाए परंतु वो चाहते हैं कि पौलुस वहीं रोम में परमेश्वर के लिए प्रचार करे अग्रिप्पा पोस्टपोन हिज डिसीजन फॉर द सेक ऑफ हिज रेपुटेशन अग्रिप्पा ने भी क्या किया अपने ही रेपुटेशन को बचाने के लिए न्याय को आगे रखे दिया उसने अपने सिंहासन को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने ज्यादा अहमियत दी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों व्हाट इज योर रिएक्शन टू द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस एंड प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड तो सुसमाचार जब प्रचार होता है परमेश्वर के वचन का प्रचार जब होता है परमेश्वर के बारे में प्रचार जब होता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अब जब हम बड़े दिन की ओर आ रहे हैं यू प्रीच जब आप प्रचार करेंगे दोज़ आर फूलिशनेस जो जिनका न्याय नाश हो रहा है आपका सुसमाचार प्रचार करना उनके लिए मूर्खता का विषय है व्हिच कैटेगरी डू यू बिलोंग किया अब आप कौन सी कैटेगरी में हैं ज्यूस या यहूदियों के गुट में हैं फिलिक्स या फिलिक्स के गुट में व्हाट वी आर ऑफ दिस पोजीशन आवर फेम फाइनेंस एंड ऑल दैट थिंग अपना खुद का जो प्रतिष्ठा अपने धन दौलत या रुपया पैसा इन सभी को आप ज्यादा अहमियत दे रहे क्या आप परमेश्वर के वचन को ना कहना चाहते आर यू फिलिक्स या फिर आप फिलिक्स हु वांट टू गेट गुड नोट ऑफ हिज किंग यू वांट टू मेक हिज करियर यू वांट टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन या फिर आप फेस्टस बनना चाहते हैं जो अपना करियर बनाना है और राजा के अच्छे के सामने अच्छा आचरण रखना है नाम बनाना है आप लगा अग्रिप्पा या फिर आप अग्रिप्पा की तरह हु नोस द ट्रू जो सच्चाई जानता है हु नोस द पॉलिटिकली ए राइट जो जानता है कि जो पौलुस कह रहा है वो सही है ही लव्ड हिज चेयर फॉर ऑल एंड ही परंतु उसने राजाओं के राजा भी परंतु अपने सिंहासन को ज्यादा अहमियत दी उसने स्वर्ग में जो उसे मिल सकता था उसे कम देखा और पृथ्वी को अपनी जो ओहदा उसे दिया गया था उससे ज्यादा बड़ा समझा पांचवी हम अपोस्टल पॉल व्हेदर इन बॉन्ड्स भले ही फिर वो बंधुआ हो whether on street या फिर किसी मार्ग पर whether he began on the way of Damascus या फिर जहां पर जिसने दमिश्क के मार्ग पर शुरू किया this is area अब कैसर प्रांत में he is the same truth he is preaching Jesus Christ the crucified one वही सच्चाई वो आज भी बयान कर रहा है यीशु मसीह जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया कभी चीज नहीं कभी और ऐसे प्रचार के लिए उसे खतरों में पड़ा even in danger He stood the God and preached the truth. परंतु खतरों में पड़कर भी उसने सच्चाई को निडर होकर दृढ़ता से प्रचार किया। Which group you belong? तो आप कौन से गुट में अपने आप को पाते हैं? Don't say, don't try to find another group by next week. तो अगले हफ्ते तक आप कोई और ग्रुप मत ढूंढ लीजिए। Because no political group is working properly. आजकल कोई भी राजनीतिक ग्रुप सही काम नहीं करता। I guess this word. The things of the world, about your career, about your fame, about your money, or are you interested in the gospel of Jesus Christ? क्या आप संसार में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं धन दौलत रुपए पैसा कमाना और करियर बनाने के फिराद में लगे हुए या फिर परमेश्वर यीशु मसीह के सच्चे प्रचार Please your boss, you go to office today. अपने बॉस को खुश करने के लिए आप अपने दफ्तर भी भाग जाएंगे गुड मॉर्निंग उनसे कहेंगे और वो बहुत खुश हो जाए प्लीज गॉड करें
परंतु आज आप परमेश्वर को खुश करने के लिए आए ये कहना चाहते हैं इज द गॉस्पेल इन पावर ऑफ गॉड अनटू यू क्या वचन का प्रचार या सुसमाचार आपके लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के समान है या फिर ये सिर्फ आपके लिए मूर्खता आप निर्णय कीजिए और चुनिए अब पौलुस कैसे रहना छोड़ने वाला और ये आखिरी जो जाते जाते और जाते जाते वो कहता है ना सिर्फ तू अग्रिप्पा राजा परंतु जो कोई भी यहाँ पर आज उपस्थित है मेरी बात सुन रहा है चाहता हूँ कि वो भी उसी तरह परमेश्वर से गॉस्पेल अप्लाइड एंड प्रोक्लेम्ड एवरीवन जो सुसमाचार है वो सभी के लिए है और सभी को बताया गया है और आखिर में वो गुडबाई द शोर्स ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड और जो वायदा हुआ जमीन था उससे वो अब आगे छोड़ जाने वाला और लेंगे सीरियस जर्नी जर्नीज फॉर द मी और आगे की उसकी यात्रा को हम परमेश्वर की इच्छा हो तो आगे के देखेंगे द लॉर्ड हेल्प अस टू बी फेथफुल तो परमेश्वर हमें मदद करे कि हम उनकी और विश्वसनीय बने रहे परमेश्वर इन वचनों को हमारे दिल की आशा पहुंचाए हम प्रार्थना करते हैं